से शाश्वत भल्ला एंड वेलकम बैक टू लीग 11 यूट्यूब चैनल। अभी ढाका में एक ढाका प्रीमियर लीग चल रही है। ढाका प्रीमियर लीग के एक मैच में शकीब अल हसन बॉल डाल रहे थे और उन्होंने अंपायर को LBW की अपील करी, जो कि बिल्कुल गेम के रूल्स के अंदर है। अंपायर ने उसे नॉट आउट दिया, जो चीज़ नॉर्मल ही है काफ़ी किसी भी मैच में, जिसके आंसर में शकीब अल हसन ने बहुत ज़्यादा मिसबिहेव किया। उन्होंने विकेट्स को निकाला, विकेट्स को ज़मीन पर फेंका और अंपायर से काफ़ी ज़्यादा अजीब सी हरकतें की। जब शकीब अल हसन जैसा स्टैचर का प्लेयर, जो कि बांग्लादेश का कैप्टन भी रह चुका है, ऐसी चीज़ें करता है तो बहुत ही गंदा एग्जाम्पल सेट होता है ऑल थ्रू आउट द वर्ल्ड फॉर ऑल द प्लेयर्स जो क्रिकेट खेल रहे हैं, चाहे वो यंगस्टर हो या वो प्लेयर्स आने वाले टाइम में किसी अपनी कंट्री के लिए खेलना चाहते हैं। अंपायर्स यूजुअली ज़्यादा लाइमलाइट में नहीं आ पाते हैं, क्योंकि क्रिकेटर्स जो कि बहुत पैशनेटली फॉलो किए जाते हैं, लोग सिर्फ उनके बारे में बात करते हैं, जबकि अंपायरिंग एक बहुत ही ज़्यादा थैंकलेस जॉब है ऑल थ्रू आउट द वर्ल्ड। जब कोई अंपायर्स के साथ ऐसी चीज़ करता है तो बहुत अजीब सा लगता है। अंपायरिंग बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम होता है, क्योंकि अंपायर्स बहुत ज़्यादा प्रेशर भी होता है, क्योंकि उनकी एक डिसीजन से मैच का रिजल्ट किसी भी तरफ जा सकता है। चीज़ क्रिकेट में बार बार बोली जाती है, दैट द प्लेयर इज़ नॉट बिगर दैन द गेम। शकीब अल हसन ऐसी चीज़ बहुत बार पहले भी कर चुके हैं। शकीब अल हसन ने निदास ट्रॉफी में भी अंपायर्स के साथ लड़ते हुए पाए गए थे और वो ऐसी मिसकंडक्ट ग्राउंड पे बहुत बार कर चुके हैं। सिर्फ ये नहीं, शकीब अल हसन ने इस मैच में ये हरकत एक बार नहीं, दो बार करी। अंपायरिंग करना किसी भी क्रिकेट मैच में एक बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टफुल जॉब होती है, क्योंकि अंपायर से पूरे मैच का कंडक्ट करवाते हैं और अंपायर्स बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन भी लेते हैं। शकीब अल हसन ये चीज़ें पहली बार नहीं, बहुत बार कर चुके हैं। निधास ट्रॉफी के मैच में भी शकीब अल हसन अंपायर्स के साथ लड़ते हुए पाए गए थे। शकीब अल हसन हमेशा ऐसा कुछ करके ट्विटर पे आके एक सॉरी का पोस्ट कर देते हैं। इस गलती के लिए भी शकीब अल हसन को कुछ ज़्यादा भुगतान नहीं भरना पड़ा। उनको सिर्फ 3 मैच के लिए बैन करा गया और 50 लाख का फाइन किया गया, और उन्होंने सिर्फ एक सिंपल ट्वीट कर दिया सॉरी बोलते हुए सबको, और वो इस चीज़ से निकल। आने वाले टाइम में लोग इस चीज़ को दोबारा भूल जाएंगे और अंपायर्स के साथ ये हरकत दोबारा और प्लेयर्स भी करेंगे, क्योंकि आज शकीब अल हसन ने करी है, कल कोई और भी कर सकता है। जब शकीब अल हसन के डिस्ट्रैक्चर जैसा प्लेयर ये चीज़ करता है तो और प्लेयर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा गंदा एग्जाम्पल सेट होता है। शकीब अल हसन को सिर्फ 3 मैच का बैन देके छोड़ देना मेरे हिसाब से सही नहीं है। इस चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, ताकि ये एक एग्जाम्पल सेट हो और ये पता चले कि अंपायर्स की रिस्पेक्ट करना कितना ज़रूरी है। अंपायर्स क्रिकेट में बहुत सीनियर पोजीशन मानी जाती है। द अंपायर हु वाज इन्वॉल्व्ड इन दिस इंसिडेंट वाज अ मेंबर ऑफ द इमर्जिंग पैनल ऑफ द ICC। इस हरकत को देख के उस अंपायर ने अंपायरिंग करना ही छोड़ दिया, जो कि बहुत ही ज़्यादा सैडनिंग न्यूज़ थी। If this continues to happen with umpires, umpires will stop doing umpiring as it's a very thankless job. If umpires umpiring करना ही छोड़ देंगे तो फिर क्रिकेट चलाएगा कौन? ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क बन जाता है। अगर इन चीज़ों के खिलाफ एक्शन नहीं लिया गया तो काफ़ी ही ज़्यादा क्रिकेट के लिए ये ख़राब बात होगी, क्योंकि अगर प्लेयर्स क्रिकेट की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो और कोई कैसे करेगा। According to me, umpires all throughout the world deserve much more respect than they get. If not even respect, then at least ये सारी चीज़ें umpires के साथ ना करी जाए, क्योंकि वो एक बहुत ही ज़्यादा senior position है। Thank you for watching and please like and subscribe for more updates. And if you like it, please do share also.